26 मार्च को देर रात पंजाबी सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह के साथ दिल्ली के एक क्लब में मारपीट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हनी सिंह अपनी टीम के साथ एक शो कर रहे थे। इसी दौरान 5 से 6 लोगों ने हनी सिंह के साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से उनको बीच में ही शो बंद करना पड़ा। यहां हम आपको बता दें कि शो में अनजान लोगों ने बियर की बोतलें दिखाई और हनी सिंह के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद सिंगर को शो बीच में ही बंद करना पड़ा। हनी सिंह ने इस मामले को लेकर दिल्ली के हौज खास थाने में उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR दर्ज करवाते हुए हनी सिंह ने लिखा कि दिल्ली के क्लब में 26 मार्च को जब मैं वहां परफॉर्म कर रहा था, तब कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। चेक शर्ट में एक व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे की ओर खींचने लगा। मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी मुझे धमकाता रहा। मैंने ये भी देखा कि उसके पास हथियार था। वहीं लाल शर्ट में एक अन्य आरोपी व्यक्ति वीडियो बना रहा था और कह रहा था भगा दिया हनी सिंह को। इस केस में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस CCTV कैमरों और अन्य तकनीकी मदद से मामले की छानबीन कर रही है। यह शो साउथ एक्स पार्ट 2 के स्कॉल क्लब में चल रहा था। बताते चले कि हनी सिंह पिछले काफी समय से लाइमलाइट से दूर चल रहे हैं और इससे पहले भी सिंगर कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं और वह मामला किसी और ने नहीं बल्कि उनकी वाइफ ने दर्ज करवाया था। सिंगर पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। शायद हनी सिंह का पुलिस स्टेशन से पुराना नाता है। खैर, अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपने फेवरेट स्टार्स से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद।